के सामने मंच पे गुरुजी से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय उद्योगपति श्री स्वामीनाथ मिश्रा जी हमारे बीच आए हुए हैं, वो गुरुजी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। स्वामीनाथ मिश्रा जी उद्योगपति गुरुजी के सामने तमिल सेल्वम जी, गुरुजी से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए स्वामीनाथ मिश्रा जी, माननीय से अशोक पांडे जी आप गुरुजी के पास आए आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राम जानकी सेवा समिति द्वारा संचालित श्री राम कथा अमृत वर्षा का आयोजन दूधनाथ मिश्रा जी, जयप्रकाश जी, आप सभी गुरुजी से आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर उपस्थित सब साथियों, मेरा भाइयों बहनों सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आपको भी अपना धर्म है ऐसा दोनों इतिहास रामायण और महाभारत, अपना कल्चर अपना कलाचार अभी तक जिंदा है तो ये लोग के लिए जिंदा है, इनके वजह से ही जिंदा है। तो आप लोग आगे देखता है तभी तो ये समाज चलता है, रामायण चलता है, महाभारत चलता है। लेकिन कितना भी फिल्म का लेटेस्ट पिक्चर आवे, कितना भी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी आया, लेकिन अपना नाटक अपना पूरा रामायण महाभारत जिंदगी में कभी बंद होने वाला ही नहीं। ये अपना परंपरा है, अपना कलाचार है, बहुत बढ़िया। उसी में अपना लाइफ स्टाइल है, आज का पिक्चर में लाइफ स्टाइल नहीं है। अपन सुबह उठ के रात को सोया तभी तक अपना कलाचार अपना परंपरा में अपना भाई बंदी से रिलेशन कैसा रखना है, धर्म पत्नी के साथ कैसा है, तो अपना फैमिली के साथ कैसा है, गुरु सेनाधिपति गुरु के साथ कैसा है, ये सब हनुमान जी राम जी लक्ष्मण जी सीता जी इसी में खत्म हो गया। लेकिन ये परंपरा ये कलाचार जो हम लोग छोड़ के गया उनको अपन याद रखेंगे, ऐसा लोग प्रोग्राम करते रहे, मैं भी साथ में रहेंगे, आप भी साथ देंगे, इसी दो सब के बाद वापस एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद चेतन जी। श्री राम जानकी सेवा समिति, श्री राम जानकी सेवा समिति हमारे आमदार श्री कैप्टन तमिल सेल्वम जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती है। उनका अपूर्व सहयोग हमारे संस्था में हमारे इस राम कथा में हर वर्ष होता है, होता रहा है और होता रहेगा।